Hello everyone. Today we will start our new topic determiners. Determiners. What is definition of determiners? The words that are used before a noun or a noun phrase to determine whether it is specific or general are called as determiners. Words जो noun और noun phrase से पहले use किए जाते हैं ये determine करने के लिए कि वो specific है या general है उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं. काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स की कितनी काइंड्स हैं? फर्स्ट इज आर्टिकल्स, सेकंड इज पोजेसिव, थर्ड इज डेमोंस्ट्रेटिव, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ इज क्वांटिफायर्स, सिक्स्थ इज न्यूमेरल्स एंड सेवन्थ इज इंटरोगेटिव. फर्स्टली वी विल डिस्कस आर्टिकल्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल इज द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल इज ए एंड एन. फर्स्ट वी विल डिस्कस आर्टिकल्स. यस, काइंड्स, काइंड्स ऑफ आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल, फर्स्टली वी डिस्कस इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन. ए, यूज ऑफ ए. It performs the function of determining the singular countable common noun when referring to a single object or person. ये क्या function perform करता है? ये determine करता है कि object or person singular है, countable है या common है. A sandwich, जो singular thing हो, singular object हो, उसके साथ हम a का use करते हैं. A bag, a chair. Second, before a noun, which is an example of a class of things. उस noun से पहले जो कि पूरी class को represent करे. A child is the gift of God. Example, the dog is a faithful animal. Every dog is faithful. तो the dog उसकी पूरी class, पूरी जाति के लिए आया है. Next, to express quantity. Quantity को express करने के लिए a number of, a few, a little, a couple of, a lot. Next is before units of price, speed, ratio, weight. Example, onion cost rupees 85 a kilo. कि onion की cost 85 rupees per kilo है. Next is in expression of frequency. Frequency के expression के लिए. Frequency means कितनी बार. Twice a day, दिन में दो बार. Once a week, वीक में एक बार. Next is in certain exclamatory expression, जहाँ exclamatory expression आ जाएं वहाँ पर. What a beautiful dress, dress को describe करने के लिए what a beautiful dress. Next, use of an, use of an. An is used before singular countable nouns. An का use singular countable nouns के पहले होता है which begin with a vowel sound. देखो हमारे English में 26 alphabets में से 5 vowels हैं. Everybody knows that. A, E, I, O, U. तो ये क्या है? हिंदी English में vowels. हमें उन words को देखना है an को बताने के लिए कि an कहाँ पर use होगा. हमें हिंदी के स्वर की भी नॉलेज होनी चाहिए. हिंदी स्वर जिसमें अ, ई, उ, ए, ओ, ये होते हैं हिंदी के स्वर. तो इनका क्या यूज़ है यहाँ आर्टिकल में? इंग्लिश में हिंदी स्वर का क्या यूज़ है वो मैं अभी बताती हूँ. देखो, रिमेंबर द इनिशियल साउंड, नॉट द स्पेलिंग इज इम्पॉर्टेंट. ए और एम, इसे डिसाइड करने के लिए कि ए का यूज़ होगा या एन का यूज़ होगा सेंटेंस के अंदर, हमें उसकी इनिशियल साउंड देखनी है. इनिशियल साउंड मीन्स बिगनिंग साउंड, स्टार्टिंग साउंड. वर्ड की साउंड क्या आ रही है वो डिसाइड करती है, ना कि स्पेलिंग ये डिसाइड करती है ए आएगा या एन आएगा. फर्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद वोवल लेटर्स बट आर प्रोनाउंस्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड्स सो दे टेक अ बिफोर देम. ये देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं बट जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो वो कंसोनेंट की साउंड देते हैं, इसलिए हम उनसे उनके पहले ए का यूज़ करते हैं. एग्जांपल,
अ यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, वन रुपी नोट ओ से स्टार्ट हो रहा है, अ यूरोपियन ई जो कि वोवल है, वन वे स्ट्रीट ओ भी वोवल है, और अ यूनिफॉर्म यू भी वोवल है, अ यू टर्न वोवल, ये सब वर्ड्स वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं बट हम इनके आगे ए का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यही पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि वोवल लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो प्रोनाउंस होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए क्योंकि वोवल की साउंड नहीं आ रही, वोवल की साउंड देखने के लिए हमें ये नहीं देखना कि यू जो है यू की साउंड दे रहा है, हमें ये हिंदी के जो स्वर मैंने बताए अ ई ऊ ए ओ इनकी साउंड आनी चाहिए, तभी हम एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट लेटर्स बट आर प्रोनाउंस्ड विद वोवल साउंड्स। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं बट प्रोनाउंस हम करते हैं उसको वोवल साउंड से, सो दे टेक एन बिफोर देम, इसलिए उनसे पहले एन का यूज़ होता है। एन आर, देखो ये एच जो कि कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, एच आर का एच कॉन्सोनेंट है बट ये साउंड दे रहा है आर, अ आ की साउंड दे रहा है, इसलिए एन का यूज़ होगा। एम पी, एम भी तो एक कॉन्सोनेंट है बट साउंड दे रहा है वो एम, ए यहाँ पर पॉइंट आ गया इनिशियल साउंड का, एम ये एम जो है वोवल साउंड दे रहा है इसलिए एन का यूज़ होगा। सेम एज इट इज एन एस पी एन ऑनर। नेक्स्ट पॉइंट, सम वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर बट आर प्रोनाउंस्ड विद डिफरेंट ओपनिंग साउंड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं बट उनकी साउंड डिफरेंट आती है। अटेंशन मस्ट बी पेड टू द ओपनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर प्लेसिंग ए एंड एन। तो ए और एन प्लेस करने से पहले हमें अटेंशन किस पर देना है, उस वर्ड की ओपनिंग साउंड पर। एन ऑनेस्ट मैन बट अ हम्बल सर्वेंट। हम्बल में ह जो स्वर नहीं है, व्यंजन है, ह की साउंड आ रही है, और ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है, इसलिए ऑनेस्ट के साथ हम एन का यूज़ करेंगे और हम्बल के साथ हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस द डेफिनेट आर्टिकल। द इज ऑल्सो कोल्ड डेफिनेट आर्टिकल एज इट इज़ यूज बिफोर अ स्पेसिफिक नाउन मेड डेफिनेट बाय इट्स यूज, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नाउन के साथ ही यूज होता है। द इज़ यूज फर्स्ट पॉइंट बिफोर अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड, उस नाउन के साथ हम द का यूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी मैंशन हो चुका है। आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेइंग इन द गार्डन, मैंने गार्डन में एक बॉय और एक गर्ल को देखा। द गर्ल लुक्ड मच यंगर दैन द बॉय, अब यहाँ गर्ल और बॉय दोनों के साथ हमने द का यूज़ किया है बट फर्स्ट सेंटेंस में हमने दोनों के साथ ए का यूज़ किया है क्योंकि हम उन्हीं उनको ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं सेकंड सेंटेंस में, इसलिए उनके साथ दोनों के साथ ही द का यूज़ होगा। सेकंड पॉइंट बिफोर अ थिंग और पर्सन दैट इज़ यूनिक, उस पर्सन और थिंग के साथ जो यूनिक हैं, एक ही हैं, द अर्थ द यूनिवर्स द मून द क्वीन। थर्ड पॉइंट बिफोर अ नाउन दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर थिंग, उस नाउन के साथ जो एक पर्टिकुलर थिंग को रेफर करता है, दिस इज द हाउस दैट इज नोन टू बी हॉन्टेड, ये वही घर है जिसे हॉन्टेड कहकर बुलाते हैं सभी, जो कि हॉन्टेड से जाना जाता है, तो ये द हाउस क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर हो गया, इसलिए द का यूज होगा। नेक्स्ट बिफोर अ क्वालिफाइड एडजेक्टिव ऑफ अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ जब एडजेक्टिव लग जाए तो वहाँ पर भी द आएगा। शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ दोनों ही क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं बट उनके साथ एडजेक्टिव आ गया, शेक्सपियर कौन, शेक्सपियर के साथ एडजेक्टिव इमोर्टल, तो वहाँ द आ जाएगा क्योंकि ये क्वालिफाइड एडजेक्टिव है, द इमोर्टल शेक्सपियर द ग्रेट वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट पॉइंट बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट बुक, द बिगेस्ट होटल, जहाँ भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं उसके साथ द का ही यूज़ होता है। ऑर्डिनल्स में भी द फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट गर्ल, इस तरह से। नेक्स्ट बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ एनिमल्स थिंग्स एंड अबाउट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज,
एनिमल और थिंग्स जो कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें, द फ्लाई इज़ अ कॉमन इंसेक्ट। अब यहाँ एक फ्लाई की नहीं, फ्लाई की पूरी क्लास, पूरी जाति की बात हो रही है, इसलिए द फ्लाई इज़ अ कॉमन इंसेक्ट। डिस्कवरीज, हु इन्वेंटेड द कैमरा, कैमरा को किसने इन्वेंट किया, तो द कैमरा जो कि इन्वेंशन है उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बिफोर नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज और ओशियंस, ज्योग्राफिकल एरियाज और ओशियंस के साथ भी हम द का ही यूज़ करते हैं, द पैसिफिक ओशियन, द सीज, द एल्प्स, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर अ सरनेम इन प्लूरल फॉर्म टू डिनोट अ फैमिली, सरनेम के पहले जबकि वो प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे द वाटसन्स, वाटसन्स प्लूरल है, इसका मीनिंग है मिस्टर एंड मिसिज वाटसन एंड चिल्ड्रन, पूरी फैमिली को जब वो डिनोट कर रहा है मिस्टर एंड मिसिज वाटसन एंड चिल्ड्रन, तो बच्चे भी साथ में ही आ रहे हैं, इसलिए वहाँ भी द वाटसन का यूज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बिफोर नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, होटल्स, म्यूजियम्स, थिएटर्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, सिनेमाज, एग्जाम्पल द अक्षरधाम टेम्पल, द ताज जो कि होटल है, द हिंदू, द इंडिया टुडे, ये क्या है, न्यूज़पेपर्स के नेम हैं। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ रेसेस, एथनिक ग्रुप्स, कम्युनिटीज, होली बुक्स एंड एपिक्स, होली बुक्स हो जाएं, ग्रुप्स वगैरह, कम्युनिटीज, इनके साथ भी द का यूज़ होगा, द सिक्स, द चाइनीज, द फ्रेंच, द रामायण, द बाइबल एट्सेट्रा। नेक्स्ट, बिफोर अ टाइम स्पैन रेफर टू इन अ कलेक्टिव सेंस, टाइम स्पैन के लिए द 20th सेंचुरी, द 70s, इस तरह से। नेक्स्ट इज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द का ही यूज़ होगा, एलेक्स कैन प्ले, द वायलिन, द पियानो एंड द फ्लूट। नेक्स्ट, टू मीन इनफ और सफिशिएंट, इनफ और सफिशिएंट जो जिसका क्या मीनिंग है कि काफ़ी है, बहुत है, शी हैज़ द टैलेंट टू बिकम अ डांसर, कि उसके अंदर डांसर बनने का टैलेंट बहुत है, काफ़ी है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा द आर्टिकल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, सेकंड हम काइंड करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिंग, जिसमें दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये क्या है, आर डेमोन्स्ट्रेटिव, विच आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स नाउन, जो कि नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, दे फंक्शन बोथ एज एडजेक्टिव एंड एज अ प्रोनाउन, वो दोनों ही की तरह ही फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी और प्रोनाउन के रूप में भी। एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, इसमें दिस क्या है, प्रोनाउन है, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पर दिस नाउन के साथ आ गया, तो यहाँ पर दिस बुक, इसमें दिस क्या हुआ, एडजेक्टिव, दैट इज माई हाउस, दैट इसमें प्रोनाउन है, दैट बाइसिकल बिलोंग्स टू राम, तो यहाँ दैट बाइसिकल नाउन के साथ यूज हुआ, तो ये एडजेक्टिव है। अब इसकी रूल्स हम देखेंगे, फर्स्ट वी यूज दिस टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग नियर द स्पीकर, हम इसका यूज वहाँ करते हैं, दिस का यूज जो चीज़ स्पीकर के नियर होती है, उसके पास होती है, तो दिस गोज विद अ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन, दिस का यूज सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, दीज गोज विद अ प्लूरल नाउन और दीज का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है, जैक, दिस इज माई कजन लारा, जैसे हम जैक लारा को इंट्रोड्यूस करा रहा है किसी से, तो बता रहा है जैक दिस इज माई कजन लारा, और दीज का यूज आर नॉट दीज फ्लावर्स ब्यूटिफुल, तो यहाँ दीज फ्लावर्स प्लूरल है, इसलिए आर नॉट, आर का यूज हुआ है दीज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज दैट और दोज टू रेफर टू पर्सन और थिंग फर्दर अवे, दैट और दोज का यूज उस थिंग और पर्सन के लिए होता है जो स्पीकर से दूर होता है, दैट गोज विद अ सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन, दैट का यूज सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, दोज गोज विद अ प्लूरल नाउन और दोज का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है, दैट इज माई फ्रेंड ओवर देयर और दोज हाउसेज आर फॉर सेल, कि वहाँ
जो दूर है वो खड़ी है, मेरी फ्रेंड है या खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है। और दोज हाउसेज आर फॉर सेल, वे घर सेल के लिए हैं। दैट और दोज आर यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द प्रिसीडिंग नाउन। दैट और दोज का यूज़ रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, रेपिटेशन किसकी, जहाँ नाउन की, प्रिसीडिंग नाउन, जिस नाउन को हम पहले बता चुके हैं उसी नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। माई शर्ट इज़ बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड, कि मेरी शर्ट मेरी फ्रेंड की शर्ट से बेटर है। तो यहाँ पर शर्ट की रेपिटेशन नहीं हुई, तो उसकी जगह पर क्या यूज हो गया, दैट। नेक्स्ट, व्हेन टू थिंग्स मेंशन्ड इन द प्रिंसिपल क्लॉज आर रिपीटेड इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज, दिस पॉइंट्स टू द लास्ट थिंग एंड दैट टू द अर्लियर थिंग। जब दो चीज़ें, कोई दो थिंग्स प्रिंसिपल क्लॉज में यूज होती हैं और रिपीट होती हैं वो सबॉर्डिनेट क्लॉज में, कि प्रिंसिपल क्लॉज में एक बार उनका यूज़ हो चुका है और सबॉर्डिनेट क्लॉज में वो रिपीट हो रही हैं, तो दिस पॉइंट्स टू द लास्ट थिंग, दिस का यूज़ लास्ट वाली थिंग के लिए होता है एंड दैट टू द अर्लियर थिंग, और दैट का यूज़ अर्लियर, पहले वाली चीज़ के लिए दैट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, बोथ एग्स एंड मिल्क आर गुड फॉर हेल्थ, कि दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे हैं, एग और मिल्क। दिस इज़ अ लिटल बेटर देन दैट, तो दिस और दैट दोनों ही यूज हुए, वो बता रहा है कि यह है उससे ज़्यादा बेटर है, अ लिटल बेटर। तो हेयर दिस रेफर्स टू मिल्क, दिस का यूज़ किसके लिए हुआ, लास्ट थिंग के लिए जो कि मिल्क है, एंड दैट दैट का यूज़ हुआ है एग्स के लिए। तो दैट क्या है, अर्लियर थिंग एग्स के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज पोजेसिव, थर्ड काइंड हम करेंगे पोजेसिव। पोजेसिव्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द ऑनरशिप ऑफ अ सर्टेन थिंग और अ पर्सन। पोजेसिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी थिंग और पर्सन की ऑनरशिप को डिटरमाइन करता है। द वर्ड्स माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर आर पोजेसिव्स, विच इज नॉर्मली द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होते हैं, तो उनके साथ हम पोजेसिव वर्ड्स यूज करते हैं। देखो, क्लियर करती हूँ मैं, पोजेसर और पोजेसिव। जैसे आई, आई मस्ट डू माई ड्यूटी, तो हम आई के साथ माई का ही यूज करेंगे। वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, दे, देयर, ही, हिज, शी, हर। तो ये पोजेसर हुए जो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, और ये पोजेसिव जो एज अ ऑब्जेक्ट जिनका हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स वी विल डू इन आवर सेकेंड वीडियो। ओके, थैंक यू।